ब्रह्मदास स्वामी। आज हाड़ महीने का सत्संग है। ये महीना आप सबके लिए सुख का हो, शांति का हो, प्रेम का हो। ये महीना गर्मी का महीना होता है, कहते बहुत बड़ी गर्मी पड़ती है इसमें, तो आप लोग गर्मी में आए हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। स्वामी जी महाराज ने एक शब्द लिखा है, आप पढ़ेंगे, मैं थोड़े बोल लूँगा उसके ऊपर। स्वामी जी महाराज, पहले जो उनकी चार लाइनें पहले ऊपर वाली पढ़ो। श्रावण मास पहला, हाल दुख सुख सहने जीव का संसार में मन और माया के संग। हाँ, हम संसार में दुख और सुख सहते हैं किन के कारण? मन के कारण, और मन की माया के कारण। मन की माया क्या है? विचार, ख्याल, सोच, आशा, निराशा, ये और क्या है मन के पास? और तो कुछ है नहीं मन के पास। मन के पास डिमांड ही है ना, मेरा ये बन जाए, मेरा ये बन जाए, मेरा वो नहीं बना तो दुखी हो गए, यही है ना मन, और क्या है। तो स्वामी जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं, मैं अपने ढंग से कहना चाहूँगा। उन्होंने किस ढंग से कहा मुझे नहीं पता, जो मैंने हजूर बाबा फकीर जी महाराज चरणों में बैठ के समझा वो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ो। काल दुख सुख सहने जीव का संसार में मन और माया के संग भरम कर, और वर्णन कष्ट और क्लेश का, जो कि बिना सतगुरु और नाम भक्ति के अंत समय में जामदूतों के हाथ से सहता है। वो कहते हैं कि बिना सतगुरु और नाम भक्ति के हर इंसान दुख सुख सहता है, ये कहा उन्होंने। अब उन्होंने हमारी ज़िंदगी का आगे वर्णन किया है कि हमारी ज़िंदगी है क्या, वो सारा 100 साल का उन्होंने वर्णन किया है। मैं अपने ढंग से बताऊंगा, पहले वो सुन लो क्या कहते हैं। प्रथम शाड़ मास जग छाया, ये देसी महीने का पहला महीना हाड़ है, और जीव आशा लेकर शरीर में आया, ये उन्होंने कहा है। मैं इसको अपने ढंग से आपको बताऊंगा जो मेरा अनुभव हुआ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे शांति है। जीव आशा लेकर जग में आया, फिर क्या किया उसने, आगे पढ़ दो। आस आड़ ले जीव बुला, दुख उठाता है। कर्म वेग ने बाहर डाला, माया की ना बहु जंजाला। हम फिर बाहर मुखी हो गए, जब हम होश आती है तो बाहर मुखी हो जाते हैं, फिर माया हमें घेर लेती है। हमारे मन के ख्याल, ये चाचा है, ये ताया है, ये मामा है, ये बीबी है, ये बच्चा है, ये सारा माया का खेल है। वो कहते हैं इसमें हम भरम जाते हैं। आगे चलो। बाल अवस्था अति दुख पावे, वेदन भारी नित सतावे। पढ़ दे जाओ बेटा। मुख बोले ना सहन चलावे, बचपना है, बचपना। अभी हम साल के समझ लो, 6 महीने के समझ लो, 2 साल के समझ लो, दुख है, बोल नहीं सकते, दुख है, तकलीफ है, पेट में दर्द है, ना माँ को पता ना बाप को, ऐसा वो वर्णन हमारे बचपन का कर रहे हैं। आगे। दुख में रोवे अति बिल लावे, माता पिता बुद्धि काम ना आवे। हाँ, आगे। दुख कुछ है औषध कुछ करी है, उलट पलट संताप दे है, बालपणाय अति दुख में बीता, भई कशोर खेल मति लीता, माता पिता चाहे पढ़वाण
खेल दीवाना, मार पीट पित मात कनेरी, दैवी दुख की भारी ढेरी, जेवी दिन दुख गफलत बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते, तरण अवस्था आवन लागी, मन तरंग अब छिन छिन जागी, चा उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। देख लो हमारा हाल बता रहे हैं कि बचपन तो ऐसे बीता, फिर खेल खेलते रहे, माँ बाप पढ़ाना चाहते पढ़े नहीं, फिर शादी हो गई, घर में नई औरत आ गई, क्या आगे कहते पढ़ लो, सारा पढ़ दो। नारी तो अपने ढंग से मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। हाँ समझ लो सारा। माता पिता का हक सब भूले, दिन और ना दिन और रात नारी संग चूले, कटती चली लगन पित माता, नारी पुत्र संग मन अति राता, फिकर पड़ा उदम का जब ही, दर दर पर में दुख अति सहही, समान समान करी गति अपनी, धन का सिमरन धन की जपनी, धन पाया तो हुआ आनंदा, अन्न मिलते पड़ दुख का फंदा, ग्रह कारज अपनित सतावे, कुल और जाति बहुत परमावे, सबका बोझ भार सिर लीना, अब तड़पे जस जल बिन मीना, मूरख ने जे भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया, परमत फिरे सुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ दुख और दारुण, किए अपने को बहु पछतावे, पर अब कुछ पेश नहीं जावे, कल कलेश बहु बर्षन लागे, वर्षा ऋतु छाड़ अब जागे, मोर पपीहा मर्म त्रास के, रोग शोक दुख मोह मोह आस के, बोलन लागे चौदिसी केरी, उमड़ी कटा मानो रात अंधेरी, भगती चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों कोर समाना, अज्ञान अंधेरा ती घट छाया, लोक गया पर लोक गवाया, जे भी बीते दुख में सब दिन, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन। अब आपने सुना, हमारा सारा जीवन बता दिया। मैं जब स्कूल में छोटा था, 10 साल का होऊंगा, पढ़ता था, तो हमारे बुज़ुर्ग एक गाना गाया करते थे 100 साल का, और एक किताब थी ज़िंदगी बिलास, उसमें क्या मेरा बाबू मेरे हमें सुनाता था, 10 को 10 बोल दे पंजाबी में, 10, एक दहा दहा तेनू खेलन दा लाहा, सुन दे रहे हो पंजाबी में, एक दहा दहा तेनू खेलन दा लाहा, 2 दहा 20 कर आई बगानी थी, 3 दहा 30 कर जमे पुत ता थी, 10 चौका 40 गल पई 45, 10 5 50 मुंडा पै गया राहो राह, 10 सिखा 60 ते मुंडन फल ली हथ लठ,
दाह सत्या सत्तर बंदा गया बहत्तर, दाहो अस्या हस्सी बंदा गया सब कमा तो खसी, दाहो नब्बा दाहो नाया नब्बे, बुढ़े नू गल कोई ना फबे, दाहो दाह सौ पोते पोतियां कहंदे बाबा हवेली जाके बहो। ये हाल है हमारा। शर्मा जी बुजुर्गों की बात सुनाई। अब मैं आपको साइंटिफिकली कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो बुजुर्गों की बात बता दी और हमारा हाल यही है, सबका हाल यही है। अब सवाल ये है कि क्या बाबा जब कबीर साहब ने भी कहा कि इंसान आशा लेकर दुनिया में आया और जब वापस जाएगा तो कौन लेके जाएगा? शब्द के साथ जाएगा। ये कभी सुनाऊंगा शब्द आपको, उनका है, आशा लेकर आया लेकिन आशा के साथ ये वापस नहीं गया, इसको शब्द वापस लेकर गया, ऐसा उन्होंने लिखा है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि स्वामी जी महाराज ने लिखा है आशा करके आया, मुझे तो याद नहीं है कौन सी आशा मैं की होगी, कहाँ मैंने तो आशा की नहीं, पता ही नहीं मैनू, मैं जब पैदा हुआ मुझे पता ही कोई नहीं मैं कहाँ पैदा हुआ, किसके घर में आया। इसके ऊपर मैंने बहुत चिंतन किया, मैंने इसके ऊपर बहुत चिंतन किया और चिंतन के बाद एक नतीजे पर पहुंचा, वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। आप सबका या मेरा भी मेरे शरीर को बनाने में कोई हाथ नहीं है। कोई कह सकता कि मैं अपना शरीर बनाया? नहीं कह सकता। अब ये शरीर पांच तत्व का बना है, पांच तत्व का कैसे बना? गुरबाणी में एक शब्द आता है माटी एक अनेक भांति से साजी सृजन हारे। एक मिट्टी से उस मालिक ने अपनी मर्जी से हमारे शरीर को बनाया। क्यों बनाया, कैसे बनाया, अब सुनना ध्यान से सुनना। पिछले जन्म में हमारे अंदर कोई ख्याल था, हम वैसे नहीं पैदा हुए, हमारा पिछले जन्म में हमारी कोई मिशन था कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, वो आशा हमारे मन में रह गई। क्या समझ रहे हो? क्योंकि लिखा है कबीर ने कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्वले लेख, मेरी बात साइंटिफिकली प्रूव करने लगा हूँ। अब उस आशा के मुताबिक जो उस जीव की आशा थी जा उस वक्त मेरी आत्मा जा मन जा था, जो उस वक्त मरने के समय शरीर छोड़ने से मेरी आशा थी, उस आशा के मुताबिक मेरा शरीर बनाया गया। बात को पकड़ा? मेरे शरीर की मिट्टी, मेरे शरीर का जल, मेरे शरीर की अग्नि, मेरे शरीर की वायु, मेरे शरीर का आकाश, ये पांचों तत्व उस मालिक ने इस शरीर में इस ढंग से लगाए कि मेरी वो आशा इस संसार में पूरी हो जाए। अशोक बात को समझा? तो वो आशा जो पिछले जन्म की थी, जो पिछले जन्म के ख्याल थे, जो मेरी पिछले जन्म की कमाई थी, या जो पिछले जन्म में मैंने सोचा था ये करूँगा लेकिन शरीर छूट गया, उसके मुताबिक मेरा शरीर कुदरत ने बनाया। तुम्हारा इस शरीर को बनाने में कोई हाथ नहीं है। तो जो कुछ हमारा प्रलब्ध है, जो कुछ हमारी पिछले जन्म की करनी है, उसके मुताबिक हम अपने जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं। क्या कहा मैंने? सारी दुनिया 99% दुनिया, ये जो सबक लिखा है स्वामी जी महाराज ने, सब ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई किसी जगह भागा हुआ है, कोई किसी जगह भागा हुआ है, कोई किसी, हम मजबूर हैं अपने ही कर्मों के मुताबिक इस जीवन को धारण करने के लिए। और फिर जहां आकर मन के में फंस गए, वो चीज़ हम भूल गए कि मैंने करने के लिए क्या आया, वो भूल गया तो माया के मन में फंस गया। बात समझ गए? इसलिए संतों ने क्या कहा शुरू में, दाता स्वामी लिखते हैं कि सतगुरु और सतनाम के बगैर इंसान इन दुखों से फ्री नहीं हो सकता। मेरी बात को पकड़ा आप लोगों ने?
तुम्हारे बस में कुछ नहीं है ना। यही मेरे दाता परमदयाल जी महाराज हमें मुझे वहाँ समझाया करते थे, वहाँ ब्रह्मदेव में बैठे, बच्चा वी आर डेस्टिन्ड टू डू ए पर्टिकुलर जॉब, हम किसी काम के लिए इस दुनिया में आए हैं, हम ऐसे नहीं आए। क्या कहा मैंने? अब सवाल पैदा होता है कि क्या जो लिखा गया है जिसके मुताबिक हम दुख सुख उठा रहे हैं, क्या हम उनसे बच सकते हैं? हाँ, कहाँ बचोगे? सतगुरु की शरण में जाने के बाद। धोबिया प्रगटा जग में सगनी, लीजो चुनरी दुल्हाए, जन्म जन्म की मैली चुनरिया, देखत जिया घबराए, दाता दयाल जी महाराज लिखा है। तो तुम्हारा जो लिखा गया है वो कैसे मिटेगा? सतगुरु की संगत में मिटेगा, और सतगुरु की बात पर चलने के बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। क्या कहा मैंने? पकड़ो बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है और सतगुरु के शिक्षा की बहुत बड़ी महिमा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हें गुरु जिसके पास भी तुम जाते हो, जहाँ भी तुम जाते हो, मुबारक है। पहली बात, जिसको भी मानते हो आप मुबारक है। देवी को मानते हो मानो, किसी गुरु को मानते हो मानो, देवता को मानते हो मानो, लेकिन एक को मानो, एक को। लेकिन मैं ये कहने का हक रखता हूँ कि कोई भी देवी या कोई भी देवता तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देगी। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें जीता जागता तुम्हारे जैसा इंसान देगा, और वो समझाएगा बेटा ये रास्ता नहीं, ऐसे चलना। अब अगली बात सुन लो ध्यान से। अब आप लोगों को, मुझे नहीं पता कितने लोग आप नामधारी हैं, किसने कहाँ से नाम लिया, मेरा ये मतलब नहीं है। नाम मिल गया तो नाम तो एक अमोलक रत्न है, नाम अमोल रत्न है जग में, नाम अमोल रत्न है, ये रत्न है जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, तुम्हारे दुखों से तुम्हें आज़ाद कर सकता है, तुम्हारी मनोकामनाओं को एक नई सेध दे सकता है, तुम्हें संसार से छुटकारा करवा सकता है, तुम्हें भवसागर से पार कर सकता है। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनना, किसी को पांच नाम मिले मुबारक है, किसी को एक नाम मिला मुबारक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या जो तुम्हें नाम मिला क्या तुम उस पर दृढ़ होकर चलते हो? क्या कभी आपने अपने आप को टाइम दिया कि गुरु ने मुझे कोई चीज़ दी थी कि मैंने उसका प्रयोग किया? क्या मैंने उसका लाभ उठाया? क्या मैंने उसको जीवन दिया? नहीं दिया। 70-70, 30-30, 20-20 साल के लोग मिलते हैं, नाम लिया हुआ है, पहले से भी गिर गए, पहले से भी रह गए, फिर भी देवी देवताओं के पीछे भागे हुए हैं, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते। सुनो ध्यान से, पांच नाम क्या हैं जो मैंने पढ़ा, मुझे पांच नाम नहीं मिले, ना मैं पांच नाम का अधिकारी था, मुझे मेरे सदगुरु ने वो नाम दिया जो धुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई, वो दिया, वो नाम दिया मुझे, और मैंने मांगा नहीं, मैं लाइन में नहीं खड़ा हुआ, मुझे बुलाया गया घर से, आजा बच्चा अभी आजा अभी आ। मैं तो पढ़ रहा था आराम से, दो मिनट नहीं लगे, सब कुछ फेंक कर आ गया, उनके घर पहुंच गया और मेरे ऊपर कृपा हो गई। क्या कहा मैंने? पहला नाम शस्त्राकार, दूसरा नाम ओंकार, तीसरा नाम रारंकार, चौथा नाम सोहंकार, पांचवा नाम सत्याकार, यही है ना? तुम जानते होगे, मुझे नहीं पता। ये पांच यहाँ केंद्र हैं, एक ये पहला, दो तीन चार ये पांच। क्या समझ रहे हैं मेरी बात को? जिनको नाम मिला हुआ है उनको कह रहा हूँ, पहले जगह पर आप उस नाम का सिमरन अगर करोगे, सिमरन करने से पहले एक कंडीशन भी सुन लो, कंडीशन क्या है? कबीर साहब का एक शब्द निकालो, कबीर साहब की किताब होगी, करने नो दीदार महल में प्यारा है, कंडीशन भी बता देता हूँ, अगर वो कंडीशन आपने नहीं ली तो फिर पहले पर पैंसठ पेज निकाल बेटा, 65 पेज,
नाम सिमरन करने के नियम हैं। 65 पेज पर है, करने नु दीदार महल में प्यारा है, पढ़ो। 3 लाइनें सुनना। करने नो दीदार महल में प्यारा है, आपके महल में है वो, ये महल है, ये आपकी कोठी है, ये आपका मंदिर है, ये आपका गुरुद्वारा है, ये आपकी मस्जिद है, इसी में सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। कैसे? काम क्रोध मद लोभ विसारो, क्या क्या छोड़ो, संतोष काम बिना मत धारो, काम क्रोध मद लोभ, 4 चीजें, काम मित कामना, मुझे जे भी मिल जाए, मुझे जे भी मिल जाए, मुझे जे, अपने सारी इच्छाओं को मालिक पर छोड़ दो। सुन रहे हो मिस्टर कॉल, आप सुन रहे हो, दिल्ली से आए हैं, दूर से आए हैं, अपनी सारी इच्छाएं उस मालिक पर छोड़ दो, कामना ना करो, कामना नहीं पूरी होगी तुम्हें क्रोध आएगा, कामना खत्म होगी क्रोध भी साथ ही खत्म हो गया, जहां आशा वहां निराशा, आशा ही नहीं कोई भी, हाँ नंगा पुत्र चोरां च खेले पंजाबी में हमारे नंगा पुत्र चोरां च खेले, नंगा पुत्र मैनू कोई चाहिए ही नहीं, मेरा की लूट लेना किसी ने, जो वो देगा वो ले लेना, नहीं तो ना सही, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। ये बहुत मुश्किल से आदत मिलती है, ये सतपुरुष के चरणों में बात समझ लगती है, वैसे नहीं लगती है, आपको बता देता हूँ। तो काम क्रोध मद, मद मीन ये मेरा है, ये मेरी कोठी है, मेरे इन्ने बच्चे है, मेरी इन्नी जायदाद है, मेरे मैं प्रिंसिपल हैं, मैं आचार्य, कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं, जीरो। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखते ही छिप जाएगा जीव तारा प्रभात, जैसे सुबह का तारा छिप जाता है, हम भी ऐसे एक दिन छिप जाएंगे, कोई लेगा नहीं नाम, कोई नहीं नाम लेता, क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष छिया, शील संतोष क्षमा सत धारो, शील सहनशीलता, क्षमा माफ करना किसी नु, और फिर आगे क्या कहा, संतोष जो दिया मैं उसी पे खुश हूं, तुम्हें मिलेगा वो ही जो लिखा गया है, तड़प लो जितना मर्जी, जो मर्जी कर लो, वही मिलेगा जो तुम्हें लिखा गया है। और फिर जब गुरु बताता है कि बेटे इस रास्ते पर चल, फिर वो लेख पर मेख मार देते हैं, फिर वो लेख पर मेख मार देते हैं, क्योंकि रास्ता ठीक बता दिया, क्या कि ए बच्चा पहले स्थान पर नाम का सिमरन कर, जब तुम्हारा मन जहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ इकट्ठा होगा तो जहाँ प्रकाश होगा, जहाँ इकट्ठा हो जाएगा मन, अंदर आप घंटा सुनेंगे, कुछ और बात सुनेंगे, तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी, तुम्हारे मन की शक्ति बढ़ जाएगी, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, जो इच्छा करोगे तुम्हें मिलता रहेगा। बात समझ गए? पहली बात, यहाँ उस नाम का सिमरन करो, ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में 5 नाम का सिमरन करना है, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने पहले इसी जगह का सिमरन करो, तुम्हारे मन की ताकत बढ़ जाएगी, तुम्हारे में सहनशीलता आ जाएगी, तुम्हारी कामनाओं में कमी आ जाएगी, कामना केवल वो होगी आपकी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, बाकी कामना नहीं होगी। क्या कहा, ये भी मैं कह देता हूँ, जो तुम्हें ज़रूरत है कुदरत की तरफ से, वो कामना आपकी पूरी होगी, और अगर नहीं पूरी होती तो हाय हाय नहीं करना। जो लोग हाय हाय करते हैं, हाय मैं तो ये चाहता था हो जाए नाम जपने से, ये हो जाए, उसको नाम पर विश्वास नहीं आया। क्या कहा मैंने, बात को मेरी को पकड़ो, आप लोगों को बता रहा हूँ। 1 पर आपके मन की ताकत बढ़ जाती है, और तुम्हारी मनोकामना अच्छी अपने लिए जो होगी वो पूरी होती जाएगी, लेकिन अगर आप किसी का बुरा चाहेंगे तो उसका बुरा भी हो जाएगा, तुम्हारा भी बुरा हो जाएगा। इसलिए मन का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए।
किसी के बारे में नहीं सोचना, सोचना तो भला सोचना, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा नंबर है त्रिकुटी, नाम जिसको, जिस नाम का तुम सिमरन करते हो उसका रूप है, उसका नाम भी है, उसका नाम है ओंकार। ओंकार का मतलब उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। क्या मतलब? गुरु, गुरु का शिष्य और गुरु शिष्य का ध्यान, तीन चीज़ें हैं वहाँ, ध्याता, ध्यान और ध्येय। अपने गुरु का दर्शन अंदर करो, उसकी मूर्ति को अंदर ले आओ, उसके दर्शन करो, बात नहीं करने। जिस दिन आपके अंदर मूर्ति आ जाएगी, तुम्हारा विवेक जाग जाएगा, तुम्हें अच्छे और बुरे का ख्याल आ जाएगा, तुम नेक रिश्ते पर चलने लग जाओगे। क्या कहा मैंने? तुम्हारा मन साफ हो जाएगा, तुम नेक बन जाओगे, सच्चे रास्ते पर चलोगे, अच्छे बुरे का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, ये मुझे खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ये संगत में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम अपने आप को संभालने के काबिल हो जाओगे। तीसरा है रारंग, रारंग वो है सुन, सुन की स्थिति आ जाती है उसमें, उसका सिमरन करोगे, रारंग का सिमरन करोगे अंदर, तो तुम्हारा शरीर सुन हो जाएगा, तुम्हें शरीर की होश नहीं रहेगी। और फिर आगे आ जाती महासुन, उसमें तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा, ना शरीर की चिंता, ना मन की चिंता, मन भी बैठ जाएगा। आगे आते हैं भामर गुफा, जहाँ सोहंग सोहंग की आवाज़ आती है, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ये चार स्टेजेस हो गई। जब तुम वहाँ पहुँचोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, ना मैं मन हूँ, ना मैं आत्मा हूँ, मैं तो कुछ और हूँ। जब तुम वहाँ पहुँचोगे, तो फिर सतगुरु आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। वो क्या है? वो शब्द है, वो प्रकाश है। तुम माला माल हो जाओगे, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें दुनिया के दुख नहीं सताएंगे, तुम्हें अगर दुख आएगा भी तो आप समझ लेंगे कि ये मेरा ही कर्म है। क्या कहा मैंने? हाय हाय नहीं करोगे, दुनिया हाय हाय करती, ओ रब ने साढ़े ना बुरा किया, ओ मैं तो कभी किया ना सी किसी का बुरा, करते हैं ना हम। गुरु को कोसते हैं या पड़ोसियों को कोसते हैं, वो बंद कर दोगे, तुम अपने आप में शांत हो जाओगे। पांच नाम तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा, यहाँ से आपका अगला रास्ता शुरू होता है, पांच नाम से आगे रास्ता शुरू होता है। वो फिर गुरु आप पर दया करेगा, फिर तुम मरण जन्म से भी रहत हो जाओगे। क्या कहा मैंने? तो इसलिए ये जो नाम जपने वाले हैं, उनको मैंने तरीका, एक जगह बना लो घर में, थोड़ा खाओ, ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, ज़्यादा खाया होगा तो बैठा नहीं जाएगा। क्या कहा? नींद आ जाएगी। सुबह उठो टाइम पर, नहाओ, नहा धोकर मालिक को याद करके बैठ जाओ, जिसकी याद में बैठोगे वो तुम्हारी याद खुद कर रहा है। क्या कहा मैंने? ये कभी हो नहीं सकता कि जिसकी याद में आप बैठे हो वो तुम्हें भूल जाएगा। नो, कभी नहीं वो भूलता, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गुरु कभी अपने शिष्य को नहीं छोड़ता, लेकिन शिष्य है जो गुरु को भूल जाता है। इस करके कहते हैं, गुरु से बेमुख बेमुख होया व्यापन सभ्य रोग। गुरु से बेमुख हो गए तो फिर बहुत रोग आते हैं, बुरी आदतें पड़ जाएंगी, खाना पीना बिगड़ जाएगा, संगत बिगड़ जाएगी, सब कुछ खराब। मैंने देखा है लोगों का हाल, इसलिए मैं कहता हूँ, गुरु की संगत में आओ, आए हो, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। फिर मेरे दाता फरमाया करते थे, दर्शन करे वचन पुन सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कड ले तिस सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गुआई। ये है सत्संग की महिमा, इसको कहते हैं सत्संग। तुम सुनो सुनते नहीं हो, सुनते हो तो उसको अपनाते नहीं हो, अपना कर उस पर चलते नहीं हो, बस आ गए जी सत्संग ते गए सी, क्या लेके आए, क्या लेके? मुझे मिलते हैं सत्संगी बहुत से, मैं गए सी मुझे को बाबा जी की गल सुनाओ, और जी बड़ा अच्छा इंतज़ाम, बहुत लंगर का इंतज़ाम बड़ा बढ़िया, तो बड़ा ये बताते हैं,
गुरु ने क्या कहा वो नहीं कोई भी बताता, क्योंकि वो सुना ही नहीं वो तो सुना ही नहीं, सुनने में ख्याल ही नहीं है। वहाँ तो रिश्तेदारों को मिलने गए हैं, वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। बात कह मैं क्या कहा रहा हूँ आपको, बात मैं मुझे एक बात याद आ गई शर्मा जी, मैं एमए फाइनल में नहीं था, सेकंड फर्स्ट ईयर में था, तो मेरा अपने ससुराल से एक प्रॉमिस था कि जब तक मैं पढ़ाई पूरी ना कर लूँ मैं तुम्हारे गांव में नहीं आऊँगा, ये प्रॉमिस था, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो बुज़ुर्ग थे तुम पुराने बुज़ुर्ग, ओ बच्चा मैं मर जाना, मैं तेरी ब्याह देखना चाहता, मैं तेरा आह देखना, बुज़ुर्ग ऐसे ही करते थे ना। तो फुगवाड़ा में बाबा चरण सिंह जी महाराज आए, बाबा चरण सिंह जी महाराज आए, तो मेरा ससुर मेरे को आया, कहते बच्चा अब तो एक ही साल रह गया है, वहाँ महाराज जी हमारे आ रहे हैं बाबा चरण सिंह जी, आप भी सत्संग में आना। अच्छा मैंने कहा कोई मैं आ जाऊँगा, मैं दूर बैठ गया, दूर उनके पास नहीं गया, दूर बैठ गया। सत्संग खत्म हो गया, मेरा ससुर आया, उनको मत्था टेका, बस लई तो मैं आ गया। जब बघाणा बस पहुंची बघाणा, तो वहाँ महाराज जी खड़े बार बस स्टैंड पर, नाल परदेसी गोपाल और भंडारो माता एक दो बड़े आदमी थे, तो महाराज जी भी बस में चढ़ गए। मैं तो हैरान हो गया, मैंने मत्था टेका महाराज जी को, महाराज जी ने मुझे ये कुछ नहीं पूछा, मैनू कहंदे बच्चा तेनू ये सत्संगा ना शौक कित्थों पै गया मेरे मालिक ने मुझे ये कहा, क्यों कहा, क्यों कहा, क्योंकि मैं रास्ते पर ठीक चल रहा था, तुम वहाँ क्यों गए, वहाँ तो वो चीज़ मिलनी नहीं थी आपको। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक को पकड़ लो। मैं 18 साल की उम्र में हजूर महाराज के चरणों में आया था, आज कितना हो गया 2024 चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में और कोई गुरु है नहीं, लेकिन मैं इज्जत सबकी करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो संगत की सेवा कर रहे हैं, मैं भी संगत की सेवा कर रहा हूँ, वो गुरु बनकर करते हैं, मैं सेवक बन के करता हूँ, इतना फ़र्क है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, गुरु कोई नहीं। इसलिए मैंने क्या कहा कि क्या हमारे बस में कुछ है जैसे कुम्हार पांडा बनांदा, बड़ी बड़ी फिल्मों फर्मों के मालिक जो स्टील के बर्तन बनाते हैं, सोने के बर्तन बनाते हैं, चांदी के बर्तन बनाते हैं, कांच के बर्तन बनाते हैं, तो बर्तन बनाने से पहले सोचते हैं ना इसमें क्या डालना, सोचते हैं ना, ऐसे थोड़ी बना बना रखते हैं। कुमार भी मिट्टी वही बनांदा सी, पैदा की बनाना, उहदे च की पाना, दुध पाना, दही पाना, क्या पाना, इदां ही करदे सी ना, हुण तो मिट्टी दे बर्तन है नहीं। हमारा शरीर खास मकसद के लिए बना है, और इस शरीर को ऐसा बनाया जिसमें उसने अपना अंश बिठाना था। बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं, ये शरीर तुमने नहीं बनाया, तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं माँ के पेट में हम कैसे पल गए, उल्टे लटके हुए थे, और वहां हमारा सारा इंतजाम हुआ था, किसने किया, मालिक ने किया, मेरे उस मालिक ने किया जिसने मेरा शरीर बनाया, उसने माँ के गर्भ में मेरे लिए खाने का इंतजाम भी किया था, नाभि से एक डोर माँ के साथ जोड़ी हुई थी, जो माँ खाती थी वो मिलता था, जो माँ पीती थी वो मिलता था, जो माँ सोचती थी वो भी मिलता था, जो माँ देखती थी उसका असर भी सारा होता था। क्या कह रहा हूँ मैं, और जब बाहर आ गए तो नाड़ू कट गया, फिर तो सप्लाई बंद होगी, फिर क्या हुआ, माँ के स्तनों में दूध आ गया, किने इंतजाम किया, वो बताओ किसी ने इंतजाम किया तुम्हारे लिए, कुदरत ने पहले इंतजाम किया। और जब तुम्हारे दांत निकल जाते हैं माँ का दूध सूख जाता है, फिर माँ का दूध नहीं रहता, इतना ही विश्वास कर लो। जब गर्भ में था तो
तुम्हारा इतना इंतजाम किया, तो अब बड़े हो गए तो क्या अब तुम्हें भूल गया? तुम भूल गए, वो नहीं भूला। तुम एक मिनट भी नहीं देते अपने आप को, एक मिनट भी नहीं आप बैठते देखूं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, किसने बनाया मुझे, मैंने क्या देना, किसी का क्या लेना है। तुम्हें अंदर से सवाल का जवाब मिलेगा। बच्चों तुम करो करके देखो। किसी के बाबा फकीर ने तो आखिरी सत्संगों में जहाँ तक कह दिया, मैं बार बार ये बात कहता हूँ सत्संगों में कि ऐ इंसान तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मत्था टेकने की जरूरत नहीं है, कहीं चढ़ावा सीखने की जरूरत नहीं है कि मैं वहाँ ये चढ़ा दूंगा मेरा काम हो जाए ना। कभी कोई जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए, अपने कमरे में जाओ, अंदर से सच्चे हो जाओ, सच्चे होकर आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ कर उस मालिक से प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना सुन जाएगी। शरीर से पूजा पाठ करने से कुछ नहीं बनेगा, मन से तुम जो मर्जी पूजा करो, पाठ करो, अग्नि जलाओ, धूप करो, ज्योति जलाओ, आरती करो, वो कुछ नहीं होगा। आरती अंदर हो रही है, तुम्हारे अंदर घंटियां बज रही हैं, तुम्हारे अंदर शंख बज रहा है, तुम्हारे अंदर ओंकार की ध्वनि हो रही है, तुम्हारे अंदर बांसुरी बज रही है, तुम्हारे अंदर वीणा बज रही है, और तुम्हारे अंदर प्रकाश है, और तुम्हारे अंदर ही शब्द है। खोज लो अपने आप को, जरा अर्पण करके देखो, तब होगा काम, ऐसे नहीं, वरना ऐसी जिंदगी होगी जो बताया है। हम आए दुख सुख उठाएंगे और फिर चलते बनेंगे, कोई लेगा नहीं नाम, फिर आएंगे दोबारा जन्म लेकर, और जो पहले घसीट शक थोड़ी हल्की होगी फिर और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि लेना देना बढ़ा लिया ना, ये करो ये भी करो, ये भी मेरा वो भी मेरा, हाय मेरा ये चला गया है मेरा वो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात को पकड़ो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम सत्संग में आए हो इसलिए सत्संग की महिमा को जानो। कबीर साहब का शब्द सुना दो, आप सुनाया करते हैं हम इनको इश्क मस्ताना, अब सुनो कबीर साहब क्या कहते हैं, हमन को इश्क मस्ताना हमें दुनिया के जारी क्या, अमन है सुनो, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को हो याद जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश यारी क्या, हमन को पटक
नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन को बेकरारी। गुरु का नाम है तुम्हारे लिए आगे, हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या, ना पल बिछड़े पिया हम से, ना हम बिछड़े प्यारे से, ना पल बिछड़े पिया हम से, ना हम बिछड़े प्यारे से, ना हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, उन्हीं से नेह लागी है, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या, कविया इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, कविया इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, हमन सर भोजवारी क्या, हमन सर भोजवारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे याद जा जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन दुनिया से यारी। सुना कबीर साहब का शब्द सुना, कहता दुई को दूर कर दे, ये मत समझ के मेरा गुरु हुशियारपुर में है, वो तो तेरे पास है, तेरे घट में है। यही दाता दयाल जी महाराज मेरे सदगुरु को लिखा करते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास, यहाँ तक लिखते थे। कहे बराना है फकीरवा, क्यों दीवाना व्या फकीरा, ऐसे लिखते थे महाराज जी। महाराज तो दाता कहते मेरी समझ में नहीं आता था, सत्संगियों तुम्हारी संगत में मेरी समझ में आ गया कि मेरे गुरु तो मेरे पास है, हर वक्त मेरे पास है। हमारा ने लागा कहाँ से, गुरु नाम से ने लग गया, फिर दुनिया की क्या मतलब, दुनिया तो लेगी या कुछ देगी, दुनिया तुम्हारे से कुछ चाहती है, लूटती है तुम्हें, लूटती है दुनिया, लूटती, इस लूट से बच जाओ, मेरे दाता ने हमें कहा है। तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा धन क्या है, मन की शांति, शरीर का सुख, मन की शांति, आत्मा का ज्ञान और अपना अनुभव, चार चीज़ें हैं। शरीर की तंदुरुस्ती तब रहेगी जब तुम्हारा अपना व्यवहार ठीक है, खाना पीना ठीक है, कारोबार ठीक है, और समझ लो मैं एक बात के, जो भी काम तुम्हें कुदरत ने दिया है उसको अपना काम मत समझो, उसको मालिक का काम समझ के करो, कि ये काम मेरा नहीं है, मुझे दाता ने दिया है, मुझे यहाँ से रोटी मिलती है, इसलिए उसको ईमानदारी से करो, कोई हेराफेरी नहीं करनी, कोई नीयत ख़राब नहीं करनी,
कोई रिश्वत नहीं लेनी, उसी में गुजारा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या काम, भूख तो जितनी मर्जी बढ़ा लो, भूख को बढ़ाने की कौन सी बात है, बढ़ा लो जितनी मर्जी, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसको कम करो। अपने संतोष, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसको संतोष हो गया कि जो कुछ मुझे दिया मैं इसी में बड़ा खुश हूँ, वो सुखी है। जो मन के पीछे लगा हुआ ये भी हो जाए, अरे उसका पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है, फिर तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। क्या कहा मैंने, इसलिए गुरु को हमेशा अपने पास समझो। मैंने आपको समझा दिया, इसलिए कभी तुलसीदास ने भी कहा, घट में है अंदर है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मैं बोती अपने, ये कह दिया उन्होंने। और ऐसे बाकी संतों ने भी कहा, गुरु महाराज ने भी लिख दिया अपनी वाणी में कि वो कहाँ है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा लेपा तेरे संग समाई, तेरे संग समाई। दाता दयाल लिखते हैं, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं न काशी मैं न मथुरा मैं न गिर कैलाश हूँ, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया, मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। बताइए इससे ज़्यादा गुरु और क्या कहेगा। तुम्हारा विश्वास, और यही सनातन धर्म कहता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये सनातन धर्म हमारा, ये गुरु मत है हमारा, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु का वचन ही मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान केवल गुरु की मूर्ति का करना है। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा केवल गुरु के चरणों की करनी। वो गुरु के चरण ये नहीं है, वो तुम्हारे अंदर हैं, वो प्रकाश है। यही हजूर बाबा फकीर जी ने हमें समझाया कि बेटा गुरु के चरण तुम्हारे अपने अंदर प्रकाश है, और गुरु का रूप तुम्हारे अंदर शब्द है, तुम्हारे सब के अंदर वो शब्द है, तुम्हारे सब के अंदर वो प्रकाश है, लेकिन तुम्हें उसका पता ही नहीं है, क्योंकि तुम बाहर मुखी हुए हो, तुम बाहर भागे हुए हो। अंदर जाओ, अंदर देखो, पूछो अपने आप को मैं कौन हूँ, कोशिश करो, जो गुरु ने कहा उस पर चलने की कोशिश करो, तुम्हारी अंदर की आँख खुल जाएगी, तुम्हारा भटकना खत्म हो जाएगा। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजार ही क्या, दिखा ना। तो गुरु क्या करता है, गुरु पूर्ण विश्वास करा देता है कि बच्चा जो कुछ है तेरे अपने अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कबीर साहब ने कहा, संता ने कोई कसर नहीं छड़ी, लेकिन हम हैं दौड़े हुए हैं, कभी वहाँ दौड़े कभी वहाँ दौड़े कभी दहाँ दौड़े, बच्चों का पेट पाल पाल कर दे रहे हैं, बच्चों के पेट पाल पाल कर दे रहे हैं। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत कुछ कह दिया। हाँ, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ शर्मा जी आपकी आज्ञा से। देखो गर्मी बहुत है बेटा, अभी गर्मी बढ़ेगी, जो मौसम वालों ने बताया है, कल 47 डिग्री थी हमारे हिमाचल में, और शर्मा जी ने बताया कि गुरदासपुर में 48.9 थी, कोई बाहर निकल नहीं सकता। इसलिए आज आप आए, आपने कष्ट किया, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ जिस शिक्षा को आप लेकर आए हैं मेरे दाता, वो इच्छा पूरी करें, आपको मन को तंदुरुस्ती मिले, तुम्हारे मन को शांति मिले, तुम्हारे घरों में सुख हो शांति हो, तुम्हें धन की कमी ना रहे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना रहे, ये मेरी शुभकामना आपके लिए। और अगला सत्संग हम जब भी करेंगे, मेरा ख्याल जहाँ तक कि ये महीने मैं नहीं करूँगा, हाड़ में जब तक बरसात नहीं हो जाती, बारिश हो जाएगी फिर हम अनाउंस कर देंगे फेसबुक पर या यूट्यूब पर, एक लिख देते हैं हम कि फलां दिन सत्संग होगा, और मेरे से आप टेलीफोन पर भी बात कर सकते हो, मैं तो हमेशा आपकी सेवा में हूँ, जब भी मर्जी टेलीफोन करके पूछ लो, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं तो रोटी खाता हूँ, रोटी छोड़ देता हूँ, पहले आपको सुनता हूँ, क्योंकि तुम मुझे ज़्यादा प्यारे हो, तुम मेरे सदगुरु का रूप हो, मैं तुम्हारे से हेरा फेरी नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से, मुझे तुम्हारा जीवन सुखी चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई वांट। तुम सुखी तो मैं भी सुखी, तुम जब रो के बच्चे को बताते हो तो मैं दुखी होता है, मेरे को मिलने वाला आदमी है ये दुखी क्यों है, क्यों रोया,
हम तो रोए तब जब गुरु नहीं मिला था, तब रोते थे, जब गुरु मिला रोना खत्म हो गया। क्या कहा मैंने, आप सुखी रहो, सबको बहुत बहुत प्यार। अभी सत्संग ये महीना नहीं होगा, अगर होगा तो आपको बता दिया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।